नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। असम विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कांग्रेस पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता और सीएम भूपेश बघेल ने असम चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत लगा दी थी। परिणाम आने के बाद असम में बीजेपी की जीत हुई है, जिसके बाद राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने असम में यहां के संसाधनों को झोंक दिया। मैन पावर और मनी पावर दोनों का दुरुपयोग हुआ, लेकिन असम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस फेल हो गई। असम चुनाव में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के संसाधनों को झोंक दिया था। मैन पावर मनी पावर सबका दुरुपयोग हुआ। वहां के भावी विधायकों को छत्तीसगढ़ ला करके घुमाने फिराने पर्यटन का काम और ऐसो आराम कराने के साथ साथ खिलाने पिलाने में कोई कम खातिरदारी नहीं की गई। असम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की करारी हार हुई है। वहां मेन पावर मनी पावर का भरपूर दुरुपयोग हुआ। भूपेश बघेल जी असम में भी बड़े बड़े वादे किए, कर्जा माफ करने का, बेरोजगारों को भत्ता देने का, नौकरी देने का, अनेक प्रकार के उनके सारे वादे फेल हो गए।